कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने सॉफ्ट हिंदुत्व के तस्वुर पर तबादले ख्याल करते हुए कहा कि हिंदू मत और हिंदुत्व अलग अलग हैं। ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व तो हिंदुत्व है, मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। क्या हम श्री राम की पूजा नहीं करते? क्या हमने राम मंदिर नहीं बनवाए? क्या हम भगवान राम के नाम पर भजन नहीं करते? और उन्होंने मजीद पूछा कि क्या हम हिंदू नहीं हैं? हिंदुत्व हिंदुत्व ऐ मीन हिंदू हिंदुत्व बेरे हिंदू बेरे ना श्रीराम पूजे माडल्वा इवर ना नमूर राम मंदिर कटकंडिल्वा भजने राम भजने नानु भजने नमूर डिसंबर कोने वारदल्लि भजने नानु आ भजने जोतेली होय्तिदे ऊर्नल्लेल्ल मेरवणिगे माड्तिद्रु भजने धनुर्मास ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವೋ। सिद्धरामैया ने बीजेपी पर फर्जी हिंदुत्व का इल्जाम लगाया और कहा कि राहुल गांधी ही को वजीर आजम बनना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस ही हिंदुस्तान के मसाइल को हल कर सकती है। देश परिहार को शक्ति कांग्रेस पक्ष ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ। ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು। बीजेपी एमएलए अश्वथ नारायण ने हिंदुत्व पर सिद्धरामैया के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया कि सिद्धरामैया तकसीम की सियासत और खुशामद की सियासत में मसरूफ हैं। वो मुल्क के कानून का एहतराम नहीं करते, वो मजहब पर बात क्यों करें? हिंदुत्व पर बात करने की उन्हें कोई सलाहियत नहीं है। अश्वथ नारायण ने मजीद कहा कि हमारे एनडीए उम्मीदवार जनाब नरेंद्र मोदी ही काफी हैं और अवाम खुद इसका फैसला करेगी। कांग्रेस पार्टी इज नेवर हैड एनी क्लैरिटी विद रिगार्ड टू द इश्यूज ऑफ भारत or with regard to Hindutva. Always they are into divisive politics, they are into appeasement politics, they don't respect the law of the land. Why do they get into religion aspect? So they have got no moral right or ethics to talk about Hindutva. You project your NDA candidate, Mr. Rahul Gandhi, NDA candidate is Sri Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. People will decide and they are very clear. They'll come out with a big margin and with a flying color. They'll re-elect Honorable Prime Minister with much more bigger margin. And they'll send a very clear message to Mr. Siddaramaiah and his Congress party and the IND alliance that they want once again our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi.